Mr. Yogi Kumar, welcome to our session with Favital Hobby Ideas once again. How are you? Great, thank you. कैसा लग रहा है वापस आके? बहुत बढ़िया, always हम लोग को बहुत अच्छा लगता है आप लोग के साथ में कॉल आउट करके, है ना? Awesome. And आज हम क्या करने वाले हैं मिस्टर योगी? आज हम लोग फ्लेमिंगो बर्ड बनाने वाले हैं. फ्लेमिंगो बर्ड? यस. अच्छा, इस बर्ड से क्या इंस्पिरेशन मिलती है और ये क्यों बना रहे हैं? बहुत आर्टिस्टिक सा है इसकी, मतलब एक बनावट ही इसकी अपने आप में एक बहुत लाइक बहुत ब्यूटीफुल बर्ड है ये. इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, इसका कलर बहुत प्यारा होता है. दिखा सकते हैं ये फ्लेमिंगो बर्ड कैसी दिखती है कैमरे में? बर्ड कुछ ऐसा दिखता है. यस, ओके, सो वी आर गोइंग टू मेक फ्लेमिंगो टुडे. Amazing, amazing. And जो लोग अभी पूछने वाले हैं आर्टिस्ट योगी कुमार कौन है, तो मैं आप सबको पहले बता दूं कि गाइज ये है हमारा माई हैप्पी वॉल कैंपेन का एक और सेशन हॉबी आइडियाज इंडिया के साथ. मैं हूँ जैन कैमरे के पीछे विकेट ब्रोस की तरफ से, और हमारे साथ हैं आर्टिस्ट योगी कुमार. आज फिर से हम लोग एक वॉल म्यूरल बनाने वाले हैं, देखने वाले हैं वॉल पे कैसे होती है. एंड इसके लिए हमारे साथ योगी कुमार हैं. Yes, acrylic colors hai sab, all you can see on your screen, these are all 100 ml bottles which we are going to use today. So guys, hang on for the next 1 hour. We are going to take you through the process of how to make a flamingo bird. Flamingo bird jo hai, ye pink color ki ye bird hai. Ek reference artist Yogi Kumar ne aapko dikhaya hai. Those who are going to ask me ke what is Mr. Yogi Kumar's handle, so on Facebook you can see it on the description. You can make friends or follow Mr. Yogi Kumar there. On Instagram, just give us a second, we'll just type out his Instagram handle. So aapke koi bhi agar sawal ho wall mural se related, kindly hume puche, we'll be so happy to answer this. It may take us some time to answer all questions, but we will do our level best. Yes, on Instagram, inka handle ye hai. We have just put it here in the comment section and we are going to pin it across as well. Just give us a second. Okay, somebody wants the lighting increased. Definitely that can be done. Just a second, we are first doing the sketching. तो योगी जी आप ये स्केच बना रहे हैं, स्केच बनाने से पहले पहले एक बार आप कैमरा की तरफ फेस करके सब लोगों को बता सकते हैं कि ये प्रोसेस क्या होने वाला है, वॉल पे कैसे बनाते हैं, लाइक व्हाट इज द बेसिक प्रोसेस? द बेसिक प्रोसेस कि हम लोग पहले पेंसिल से एक लाइट ड्राइंग करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसको डार्क पेंसिल से, तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे कहीं से ड्राइंग लाइट है और कहीं से डार्क है, तो जहां पे लाइट है वहां से हम लोग डबल पेंसिल नहीं चलाते हैं, मतलब हम लोग डार्क नहीं करेंगे. जहां पे भी वो डार्क वैल्यू है हम उसी को हम लोग डार्क करेंगे दोबारा से. ओके, एंड ये जो स्केचिंग होती है, कोई हमसे पूछ रहा है कि सर कैन वी डू दिस बाय हैंड या फिर इसको और भी कोई तरीका है? तो बेसिकली शेप्स का थोड़ा गेम होता है, या तो हम लोग शेप्स को फॉलो करें. जैसे कि अगर आप इसमें देखेंगे तो एक ओवल शेप है ये वाला, एक ओवल शेप है ये वाला इसके फेस वाला, और इसकी गर्दन जो राउंड घूम के आ रही है वो भी आप अगर देखोगे ध्यान से तो दो राउंड सर्कल से हम लोग बना सकते हैं. तो बेसिकली अगर आपको पर्सपेक्टिव और 3D डायमेंशन की नॉलेज है, बेसिक शेप्स की नॉलेज है, तो इसमें ओवल शेप से सारा बन जाएगा. ओके, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है बनाने में तो आप ग्राफ पे यूज कर सकते हैं, आप ग्राफ से बना सकते हैं इसको. ग्रेट ग्रेट. क्या प्रोजेक्टर का भी यूज कर सकते हैं? वो भी एक तरीका है. या वो भी एक तरीका है, बट प्रोजेक्टर का यूज हम लोग एक बहुत टेक्निकल पॉइंट है. प्रोजेक्टर में क्या होता है, एक तो डिस्टेंस का भी होता है थोड़ा थोड़ा. अगर आप ग्राफ की तरफ जाते हैं तो आपको कोई
प्रॉब्लम नहीं है अगर ग्राफ यूज करते हो तो, एक सबसे बेसिक टेक्निक है, उसमें कोई तामझाम नहीं चाहिए, कोई लैपटॉप नहीं चाहिए, कोई वो नहीं चाहिए। बट प्रोजेक्टर भी एक ट्रिक है ड्राइंग करने के लिए, प्रोजेक्टर भी यूज कर सकते हो आप, स्टेंसिल्स भी यूज कर सकते हो। ये डूडल ग्रिड के बारे में थोड़ा आप बताएंगे, आप एक और टेक्निक जो होती है डूडल ग्रिड की? डूडल ग्रिड जी, सो बेसिकली ये ग्राफ जैसा ही होता है ना, आप कुछ मार्किंग कर देते हैं और उसके ऊपर पिक्चर, आपको पिक्चर के ऊपर भी सेम मार्किंग रहती है, और उसके बाद आप सिर्फ देख के फोटो को और वॉल के ऊपर जो आपने मार्किंग किया है कहाँ पे कौन सी वाली उसकी लाइनिंग आ रही है, उससे वो हम लोग कर सकते हैं। Awesome. Guys, आप Snapseed करके एक सॉफ्टवेयर होता है या Photoshop, कोई भी एक सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं जहाँ पे आप एक मास्किंग कर सकते हैं लेयर की अपनी मार्किंग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, और फिर उससे आप आसानी से आउटलाइंस बनाइए एंड देन स्टार्ट फिलिंग। सो वेलकम टू दोज हु आर जस्ट जॉइनिंग अस, वी हैव 90 almost 100 पीपल on Instagram and we have a similar number on Facebook as well and we are live on YouTube. So guys, जो हम लोग join कर रहे हैं Facebook पे Joy, Namrata, Amita and Instagram पे Jagdish, Khushbu, Vithi, Arshi. Guys, welcome to everyone. We are live on Hobby Ideas India and for the next 1 hour, 1.5 hours, we are going to sketch out, fill in and make in front of you a amazing flamingo bird. तो उसका रेफरेंस जो है वो मिस्टर योगी के हाथ में है, उनके वॉल पे भी लगा हुआ है, अगर वो चाहेंगे तो हम ये रेफरेंस एक इधर भी पास कर सकते हैं, बट इन द मीनवाइल उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, अभी आप ले सकते हैं जी। ये रेफरेंस जो है गाइस आप देख सकते हैं, दिस इज हाउ इट्स गोना लुक लाइक वंस इट्स डन। एंड द अमेजिंग थिंग अबाउट मिस्टर योगी कुमार इज दैट ही इज वेरी वेरी फास्ट। सो ये जो चीज़ है ये उनके एक्सपीरियंस से आती है इनको। एंड योगी, कितने साल से आप पेंट कर रहे हैं? बेसिकली 10 साल से कमर्शियल कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं 17 ईयर ऑलमोस्ट। वाओ, ऑलमोस्ट 17 ईयर से। गाइस, आप में से किस किस ने योगी कुमार का पहले सेशन देखा है, प्लीज एक हार्ट डबल बटन दबाइए यहाँ पे एंड जस्ट शो योर लव फॉर दोज हु हैव बीन टू अनदर सेशन। योगी कुमार ने यहाँ पे पहले भी हमारे साथ सचिन तेंदुलकर बनाया था पिछले सेशन में, उसके पहले उन्होंने हमारे साथ एक बुद्धा म्यूरल बनाया हुआ है, उन्होंने हमारे साथ स्टेंसिस की वर्कशॉप की है। सो दिस लॉट ऑफ स्टफ योगी कुमार हैज बीन डूइंग विद फेविक्रिल एंड विकेट ब्रोस। So, ये जो आप थोड़ा सा ब्रश और ये पेंट्स के बारे में भी पेंसिल ड्राइंग हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। सबसे पहले हमने बहुत लाइट ड्राइंग पेंसिल की थी, उसके बाद हम लोगों ने जहाँ जहाँ से डार्क वैल्यूज है वो पार्ट हमने डार्क किया है, और इसके बाद हम लोग लाइट कलर से बिल्कुल वाटर फॉर्म में हम लोग सबसे लाइटर टोन का कलर से उसकी लाइनिंग करेंगे अभी। तो इसमें क्या होता है, पेंसिल को आप एक विंड पे चला सकते हो और ब्रश को आप मोटा पतला कैसे चला सकते हो, तो आपको फ्लैट ब्रश से दोबारा लाइनिंग करनी है इसकी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा एरिया आपका डार्क है और कौन सा एरिया आपका लाइट है। सपोज इसकी नेक का जो ये वाला पार्ट है लेफ्ट साइड वाला, ये डार्क है तो मैं इसको थोड़ा सा थिक लाइनिंग लेके चलूंगा, तो ब्रश को मैं फ्लैट भी चला सकता हूँ और मैं पतला भी चला सकता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे मैंने पतली लाइन ड्रॉ की है और यहाँ पर मैंने एक बिल्कुल अगेन। ये किस साइज के ब्रशेस हैं योगी? सो बेसिकली अभी ये हम लोग दिस इज द मिनिमम साइज एंड दिस इज द मैक्सिमम साइज वी हैव। आप मेरी फिंगर टिप से इसका साइज देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा आधा इंची से और 1.5 इंची तक का ब्रश है। तो बेसिकली ये 0 नंबर टू जो भी आप फ्लैट ब्रश 10 नंबर तक जा सकते हैं, तो हर कंपनी के अलग अलग नंबर होते हैं। तो ये आपके हाथ के ऊपर है कि आप कितना बड़ा ब्रश संभाल सकते हैं, तो जितने बड़े ब्रश से आप काम करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, कुछ लोगों का सजेशन है कि आज हम कैमरा थोड़ा सा आगे ले लें, इन एनी केस आई थिंक मुझे फ्रेम में लग रहा है कि शायद पॉसिबल होगा। तो गाइस जस्ट 2 मिनट दीजिए हम लोगों को, हम लोग अपने कैमरा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे एंड वो करते
सर पहले एक क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं. एक्चुअली समबडी इज आस्किंग कि ये पेंट्स कौन से यूज कर रहे हैं. संध्या इज आस्किंग ऑन फेसबुक पेंट्स कौन से यूज हो रहे हैं यहां पे. सो पेंट्स हम लोग अभी हम लोगों ने क्रिम्सन रेड फेविक्रिल 100 ml बॉटल हम लोग अभी यूज कर रहे हैं. तो ये क्रिम्सन रेड है एंड वी हैव अनदर कलर एज वेल हियर एज यू कैन सी ऑन द टेबल. गाइस हम लोगों को सिर्फ 2 मिनट्स का टाइम दीजिए. हम लोग थोड़ा सा ना अपने ट्राइपॉड्स को मूव करके योगी जी के पास लेके जाते हैं. सो इफ देयर इज एनी डिस्टरबेंस जस्ट फॉरगिव अस. This is close enough. Yeah. Okay. Just remove Facebook as well. Yogi ji, कोई पूछ रहा है अपना पूछेंगे कि are you using hog brush or something else? No, this is normal synthetic brush. Okay. Great. ठीक है, guys. जो बोल रहे थे कि please move the camera up ahead. I hope. आपको खुशी मिल रही होगी. We have tried our level best. ठीक है, इससे आगे जाएंगे ना तो पर्सपेक्टिव में प्रॉब्लम आ जाएगा, आपको पूरा आर्टवर्क दिखेगा नहीं. सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट एंगल दैट वी हैव सो फार. एंड बाय द वे योगी इज अ लेफ्ट हैंडर, तो इसलिए हम लोग इस साइड से इसको शूट कर रहे हैं. ऑसम. सो नाउ आई थिंक यू कैन सी सम ऑफ द डिटेल्स हैपनिंग ओवर हियर. द बेस्ट पार्ट इज हिज हैंड मूव्स सो फास्ट. सो एक क्वेश्चन बहुत बार मुझे भी आया है, योगी जी आपका हाथ इतना तेज कैसे चलता है? प्रैक्टिस, मेन तो प्रैक्टिस ही है, अदरवाइज. आपने फ्लेमिंगो बर्ड कितनी बार बनाई होगी? बहुत बार बनाई है. फ्लेमिंगो बर्ड मेरा फेवरेट है. मैं पेबल आर्ट करता हूं, आप मेरे पेज में जाके चेक कर सकते हैं. मैंने पेबल्स पे भी फ्लेमिंगो बहुत बार बनाया है. वाओ, पेबल्स के ऊपर? यस. उस पे कौन से कलर यूज किए आपने? सेम कलर्स, एक्रिलिक से. यस, एक्रिलिक फेविक्रिल. ओके, एंड वो मिट नहीं जाता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ओके, ऑसम. सो एक्रिलिक कलर्स इतने मतलब ऑसम कलर्स. या, वेरी ड्यूरेबल. ओके, और इसके ऊपर कोई वार्निश वगैरह लगाने की जरूरत है? आप लगा सकते हैं अगर आप पत्थर पे काम करते हैं, क्योंकि वो स्लिपरी सरफेस होता है, तो आप वार्निश यूज कर सकते हैं, मैट वार्निश. अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है. तो मैंने काफी पेबल्स में यूज नहीं किया है, वो अभी भी एज इट इज ऐसे ही है. वॉल्स पे तो मैं कभी भी यूज नहीं करता हूं इन कलर्स के साथ में. ओके, जॉय इज आस्किंग अ क्वेश्चन सर, इफ द ऑयल, फेसबुक पे जॉय इज आस्किंग सर, इफ द वॉल इज विद ऑयल बेस कैन आई यूज एक्रिलिक कलर? नहीं, उसमें फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा. ऑयल बेस पे करने में आपका कलर सोखेगी नहीं वॉल, और वो बहुत स्लिप करके चलेगा, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होगी ऑयल बेस के ऊपर. तो आपको अगर ये कलर यूज करने हैं तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप वॉल भी पीछे से एक्रिलिक योगी अपने बारे में कुछ बताइए अपने फैंस को यहाँ पे कि आप क्या क्या अभी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं फिलहाल. बिल्कुल, अभी हम लोग कुंभ प्रयागराज 3D स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं. आप मेरे पेज पे जाके देख सकते हो, हम लोगों ने एक बहुत ही सुंदर बुद्धा का म्यूरल एक वहाँ पे बनाया है. इसके अलावा हम लोग गुड़गांव में भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कुछ अभी नया स्टार्ट करने की. तो कमिंग वीक में हम लोग वहाँ पे कुछ अभी स्टार्ट करने वाले हैं 3D आर्ट वॉल के ऊपर.
बाकी पेंटिंग चल रही है स्टूडियो पे, आप सब मेरे अपडेट चेक कर सकते हैं। ओके अमेजिंग गाइस, जो लोग जानना चाहते हैं योगी कुमार क्या कर रहे हैं, उनका इंस्टाग्राम हैंडल हमने पिन कर दिया है अपने कमेंट्स में इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ओके एंड यू कैन फॉलो हिम, एंड मैं हूँ जैन विकेट ब्रोस से। हम लोग हॉबी आइडियाज इंडिया के साथ ये सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम लोग लास्ट 8 ईयर्स से एज अ विकेट ब्रोस आर्टिस्ट कम्युनिटीज के साथ काम कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया, एंड राइट नाउ वी हैव मोर देन 1000 आर्टिस्ट हु आर पेंटिंग विद अस इन देहरादून, दिल्ली, बॉम्बे। सो अगर आप इन सिटीज से बिलोंग कर रहे हैं प्लीज डू गेट इन टच विद अस, वील बी वेरी हैप्पी टू प्रोवाइड यू अ वॉल समवेयर इन दिस सिटीज। वेरी रिसेंटली वी हैव जस्ट ऑर्गेनाइज्ड अ लेडीज फर्स्ट स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल जिसमें विमेन ओनली फेस्ट था वो, तो लाइक वी हैड आई थिंक ऑलमोस्ट 20-30 आर्टिस्ट इन 3 सिटीज जॉइन अस एंड पेंट अ लॉट ऑफ वॉल्स। सो आपको अगर वॉल पेंटिंग का शौक है डू गेट इन टच विद अस, वी आर ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। ओके कोई क्वेश्चंस हैं तो गाइस प्लीज कमेंट सेक्शन में डालते जाइए। एज यू नो एज ऑलवेज योगी इज अ वेरी हेल्पफुल पर्सन, वो आपके सारे सवालों के जवाब देंगे, एंड आपकी आंखों के सामने ये जो फ्लेमिंगो बर्ड बनते जा रहा है इसकी प्रोसेस को एक्सप्लेन करते जाएंगे। इफ यू एवर वॉन्ट टू गेट फीचर्ड ऑन हॉबी आइडियाज इंडिया गाइज, यू कैन ऑलवेज टैग देम इन योर पिक्चर्स, कोई भी आपने वॉल म्यूरल किया हो या फिर अगर आपने फेविक्रिल के कोई भी कलर्स यूज करके आर्ट वर्क भी किया है, यू कैन ऑलवेज टैग देम। इफ यू इफ इट इज अ वॉल पेंटिंग यू कैन यूज हैशटैग माई हैप्पी वॉल, एंड आप फीचर हो सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक हैंडल के ऊपर। मीनू सेज कैन वी वॉच यू पेंटिंग इन गुड़गांव? यस प्लीज, आप एमजी रोड पे देख सकते हैं हमारी पेंटिंग्स, और अभी हम लोगों ने काफी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स किए हैं, ऐसे बेसिकली स्ट्रीट आर्ट में काम किया है हम लोगों ने गुड़गांव में, बट हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं सुशांत लोक में कुछ वॉल्स हमने स्पॉट किए, तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं आके हमें, तो वो ये वॉल्स भी हम लोग विकेट ब्रोस के साथ में मिलकर करने वाले हैं। Awesome. लोग पूछे हाउ टू गेट इन टच विद यू एंड ऑल, गाइस जिनको विकेट ब्रोस के साथ टच में आना है हमारी कम्युनिटीज में दिल्ली, मुंबई या देहरादून या उत्तराखंड में कहीं भी, डू गेट इन टच विद अस, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे कमेंट्स में पिंड अप है। इन बैंगलोर और एनी अदर सिटी वी विल डेफिनेटली ट्राई एंड यू नो डू दैट एज सून एज पॉसिबल। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग वॉल्स पे उतरें एंड अपने शहर की, अपने घर की, अपने सिटी की, इंडिया की वॉल्स को बहुत ही बेहतर करते रहें। वन चेंजिंग द वर्ल्ड वन वॉल एट अ टाइम, दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। ऑलराइट सो किरण इज आस्किंग ऑन फेसबुक, आर यू मिक्सिंग वाटर विद द कलर्स? यस। इफ यस देन व्हाई इज इट नॉट ड्रिपिंग? ड्रिप इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आप पानी लेते हैं और अपनी कलर प्लेट में मिक्स करते हैं उसको, आप जब कलर उठाते हैं उस पे तो आपका ब्रश पे कितना पानी है, अगर ज्यादा है तो आपके हाथ में एक फैब्रिक होना चाहिए, आप उसको टच करोगे जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो उस पे ऑब्जर्व हो जाएगा और आपको वाटर ड्रिप नहीं होगा। ओके एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पेंटिंग से रिलेटेड योगी के, हम लोगों ने पिक्चर बनाया था उससे पहले बुद्धा म्यूरल बनाया था, और आप ऑब्वियसली पोर्ट्रेट्स तो बहुत अच्छे से जानते हैं जी, बट ह्यूमन स्केलेटन इज ऑफ कोर्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर एनिमल और बर्ड स्केलेटन, तो ये फ्लेमिंगो के स्केलेटन में क्या चैलेंजेस आते हैं या फिर इनकी एनाटॉमी को कैसे मतलब लाइक फोकस करना चाहिए, कहां पे ध्यान देना चाहिए? बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट मेरे लिए कोई भी शेप, चाहे ह्यूमन हो या नेचर फ्लावर कोई भी बर्ड हो, तो मैं उसको सिर्फ बेसिक शेप्स की नजर से देखता हूँ। तो ह्यूमन बॉडी में भी आप देखेंगे तो सब बेसिक शेप्स ही होती है, आपने फेस देखेंगे तो ओवल सबसे ज्यादा आपने बनाया होगा फेस, तो इसमें भी आप देखेंगे तो सिर्फ वही शेप्स हैं बेसिकली। तो मैं कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देखता हूँ कि भाई ये फ्लेमिंगो है या फिर कोई बर्ड है या फिर ह्यूमन एनाटॉमी है, मैं सिर्फ शेप्स को फॉलो करता हूँ कि उसमें ट्राइंगल है, उसमें स्क्वायर है, उसमें सर्कल है, बस। Guys, this is my very nice tip by Yogi कि आप shapes identify करना सीखिए। Yogi, अगर लोग यहाँ पे shape identify करने बैठेंगे, क्या shape दिख रहे हैं आपको? मुझे basically oval shape ही दिख रहा है इसका। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो एक oval shape है, इसकी जो beak है वो भी एक oval shape जैसा ही है, but वो एक triangular form में है।
आप इसका गर्दन का ये वाला हिस्सा देखेंगे तो ये भी एक राउंड सर्कल जैसा ही है, यहाँ भी एक राउंड सर्कल है, ये भी एक बड़ा ओवल है, ये सीधा बड़े बड़े रेक्टेंगल्स हैं जैसे आप पेंसिल बनाते हो, सेम अगेन यहाँ भी वैसा ही है ना। आपको एंगल्स फॉलो करने हैं कि वो किस एंगल में जा रहा है, कहाँ पे जाके वो कम हो रहा है, कहाँ पे जाके वो ज्यादा हो रहा है। तो इसके लिए आप लाइट पेंसिल चलाइए, लाइट ब्रश चलाइए, Some tips coming over here from Yogi Kumar. Guys, अगर आपको भी कोई shape दिख रहा है यहाँ पे इस bird में तो please हमारे comments में डालिए, हम लोग जानना चाहेंगे आपको कौन से shapes दिख रहे हैं यहाँ पे। Can you identify which shapes are there in which part of the flamingo? That will be beautiful. Because the whole point, guys, art का ये होता है कि you have to observe first, right? आप तब तक नहीं बना सकते जब तक आप observe नहीं कर सकते। So if you can observe the shapes, please put it here in the comments. Let's learn together. And if you can pull out a sketch pad and make that shape, that will be awesome practice. And then at the end of the workshop, please tag Hobby Ideas India and artist Yogi Kumar. They will be very, very happy to repost you or to see your work. Round and oval shapes can be seen where? Mustard pet zone. Round and oval shape, but where? Poonam has painted a peacock on the wall. Awesome, Poonam. Please do tag artist Yogi Kumar and Hobby Ideas India. We would love to see that peacock. ये पिंक का कौन सा शेड है? मस्टर्ड पेट जोन इज सो आस्किंग। बेसिकली हम लोग क्रिम्सन रेड और व्हाइट को हम लोग मिक्स करके हम लोग पिंक शेड बना रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी शेड्स हैं, तो उसी को हम लोग लाइट डार्क करके यूज कर रहे हैं। ये बहुत ही बेसिक एक आर्ट टिप है सब लोगों के लिए गाइस। अगर आपको एग्जैक्ट शेड्स नहीं मिल रहे होते हैं देन ट्राई एंड गेट सम बेसिक शेड्स जिससे आप मिक्स करके दूसरे कलर्स बना सकते हैं। योगी, अगर किसी को लेट्स से यू नो होपफुली आई होप मोस्ट ऑफ अस विल नॉट फेस दैट प्रॉब्लम, बट अगर किसी को सारे शेड्स नहीं खरीदने तो कोई भी जैसे फॉर एग्जाम्पल इस आर्ट वर्क के लिए उनको क्या शेड्स लेने चाहिए तो बेसिक बेसिकली जिससे? उनको 3 शेड ही लेने हैं, अच्छा ब्लैक कलर, रेड कलर, व्हाइट कलर और अगर हो सके तो ब्राउन कलर बस। रेड, व्हाइट एंड ब्राउन। यस व्हाट अबाउट रेड? रेड क्रिम्सन रेड ओनली। क्रिम्सन रेड। यस Nova Crafty is saying, what is the ideal timing of Abhidya's life? Nova, nice question. Many of our sessions have been done at 4 p.m. India time, but it does keep varying sometimes. So do check up Hobby Ideas India के feed पे, news feed पे। हमेशा 3-4 दिन पहले से ही announcement हो जाता है। There's always a poster out there, so you can please check it out. The next session will happen on 20th with artist Jinish from Kerala, where we'll be learning how to make Kerala murals. So do check that out on 20th. There's an interesting question on Instagram. Bina is asking, how do you determine the size of an object on a wall? बेसिकली हम लोग सबसे या तो हम लोग ग्राफ यूज करते हैं या फिर हम लोग बेसिक हाइट विड्थ देख लेते हैं, आपके वॉल की कितनी हाइट है, आपके ऑब्जेक्ट उसके सामने कितने आ रहे हैं, कि 3 फीट तक आपको कुछ उसके सामने आ रहा है, अदरवाइज वो वॉल अगर खाली है तो बेसिकली आपके इंटीरियर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या साइज, कितना हाइट विड्थ, कितना छोड़ के स्पेस वो रखना है। अच्छा, और घर में आइडियली लाइक क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए पेंटिंग करते टाइम? आप जहां भी पेंट करते हैं आप न्यूज़पेपर या पॉलिथीन यूज कीजिए, जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे नीचे न्यूज़पेपर और ऊपर टेबल पे भी हम लोगों ने पूरा रैप करके ताकि नीचे गंदा ना हो। ग्रेट गाइस, एज यू कैन सी वॉल पे ना पेंट्स जब आप करेंगे तो कभी-कभी ड्रिप भी हो सकता है, उसके लिए न्यूज़पेपर या और ये अपने इस तरह कपड़ा से। हमेशा अपने हाथ में रखिए ताकि यस 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 एंड खुद के भी कपड़े होली टाइप पहनने चाहिए या ताकि तो मतलब आप गंदे या कपड़े। यस या तो आप कपड़े ही अपने ऐसे रखो कि पेंटिंग करने के कपड़े आपके अलग है या फिर कोई एप्रन आप यूज करो, अदरवाइज आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो जरूरी नहीं है, आपके हाथों में भी कलर नहीं लगेगा, आपके ब्रश भी ऊपर तक कलर नहीं लगना चाहिए। नाइस। मेरे तो कपड़े ही अलग है जब भी पेंटिंग करने जाए। तो कपड़े
कपड़े अलग है तो ज्यादा बेटर है। There's a nice question coming from I am Devil Sash. Okay. Hello, I like to make wall painting and I do that. And when I do that, I use acrylic colors. But when I take out that color in the bowl or another place, it immediately dries up. Why does it happen? Acrylic colors do not merge. आप acrylic color को mix करके use करोगे water में और अगर आप लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन रखेंगे कि आप डायरेक्ट डार्क कलर यूज ना करके लाइट कलर टू डार्क की तरफ आप जाइए, जैसे कि अगर मैं रेड के साथ व्हाइट मिक्स कर रहा हूं तो मैं एक एक टोन मिक्स करके 100 टोन्स बना सकता हूं, है ना। तो आपको भी बिल्कुल लाइटर टोन टू डार्क टोन जाना चाहिए, आप डायरेक्ट डार्क टोन पे नहीं जा सकते। राइट, एंड ये एक्रिलिक कलर्स जल्दी ड्राई हो जाते हैं अगर बाहर रखते हैं? अगर आप हवा में उनको यूज कर रहे हैं तो ज्यादा पानी मिक्स कीजिए तो वो ड्राई नहीं होगी। अगर आप एयर टाइट जगह पे है जहाँ पे सिर्फ एसी यूज हो सकता है तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है एक्रेलिक कलर्स। योगी, देयर आर मोर देन 110 पीपल ऑन इंस्टाग्राम लाइव राइट नाउ एंड ऑलमोस्ट 80 टू 90 पीपल हियर ऑन फेसबुक एज वेल एंड अबाउट 10-20 पीपल हियर ऑन यूट्यूब। Can you say a good hi to everyone? Yes, hello everyone. आपके मैसेज भी मुझे आते हैं और मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ कि सबको मैं जवाब दे सकूँ। आप में से काफी लोगों ने मुझे बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना के भेजी हैं, बुद्धा स्पेशली जब हम लोगों ने बुद्धा सेशन किया था तो काफी लोगों ने मुझे बुद्धा बना के भेजा था और फिर मैंने शेयर भी किया था वो वॉल्स पे। तो थैंक यू वेरी मच कि आप लोग सीख रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। Awesome. Shashi is saying, sir, you are just super as you as your each and every painting. Thank you very much. बहुत ही ज़्यादा appreciation आ रहा है यहाँ पे. Angela is saying, where are you painting right now? Which city? So we are in Noida right now. Yeah. Exact address मत बताइएगा. Office. Yeah. Exact address मत बताइएगा. Okay. Somebody is saying, Joy is saying के sir large wall in width. म्यूरल डिजाइन करना है, कहाँ मिलेगी ऐसी बाउंड्री वॉल आउटडोर में? कहाँ मिलेगी? आप कौन सी सिटी की बात कर रहे हो? वैसे तो सब जगह होती है। जॉय, विच सिटी? इफ यू गेट इन टच विद विकेड ब्रोस ऑन इंस्टाग्राम वी विल बी एबल टू हेल्प यू इफ यू वांट टू पेंट अ आउटडोर वॉल। गाइस, यू कैन गेट इन टच विद विकेड ब्रोस, वेरी हैप्पी टू गिव यू अ आउटडोर वॉल इन at least Mumbai, Delhi and Dehradun we can promise. Other and cities Gurgaon as well. Yes, Gurgaon, and we can promise you only when we know which city you are from. धीरे धीरे आप लोग डार्क डिटेल्स देते जा रहे हैं, तो अब जैसे आप देखेंगे कि यहाँ से वो डार्क स्टार्ट हुआ है तो अभी पीछे वो लाइट है, तो लाइट से स्टार्ट करके फिर हम लोग डार्क की तरफ आते हैं। तो मिक्सिंग मर्जिंग बेसिकली आपका वही एक गेम होता है कि आप कितना टोन तक आप जा सकते हो और कितना लाइटर टोन तक आप रख सकते हो ब्रश में। योगी, कोई पूछा है कि बिगिनर्स के लिए कौन से ब्रशेस यूज करने चाहिए? इज इट अ हॉग ब्रश? इसका साइज क्या होना चाहिए? आप बेसिकली सिंथेटिक ब्रशेस से यूज स्टार्ट कर सकते हैं और मार्केट में बहुत तरह के ब्रशेस हैं और बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपके हाथ में कौन सा ब्रश सूट करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेशल ब्रश है उससे ज्यादा अच्छा बन जाएगा, असली पावर आपके हाथों में होती है। बट आप जब तक आप बहुत सारे ब्रशेस यूज करके नहीं देखेंगे अलग अलग तब तक आपको आपकी स्ट्रेंथ पता नहीं चलेगी। तो इसीलिए स्टार्टिंग में आप जितना ब्रशेस यूज करके देख सकते हैं अलग अलग कंपनीज के आप देखिए। तो ये भी पूछ रहे हैं कि पेंट्स कौन सी कंपनी के हैं यहाँ पे? यस, पेंट्स आप जैसे कि टेबल पे देख सकते हैं और मैं आपको क्लोजअप से भी दिखा देता हूँ। 100 ml बॉटल्स फेविक्रिल हम लोग यूज कर रहे हैं और क्रिम्सन रेड और व्हाइट टोन हम लोग फिलहाल यूज कर रहे हैं इस आर्टवर्क के लिए। There are so many people who interact with us on these handles. It's always a brilliant pleasure. Guys, please stay with us for the next another at least half an hour, 45 minutes. Ye mural jab finish ho jayega na, to already you can see it's looking beautiful, but I think it will look 10 times more beautiful once it's finished. So please stay with us and be inspired. Sketch along with us if you can. And please give your love to artist Yogi Kumar. His handle is given here in the comments. We have pinned it on Hobby Ideas India.
एंड इवन ऑन फेसबुक आप उनका डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल लिंक देख सकते हैं। ये हैशटैग माय हैप्पी वॉल कैंपेन के अंतर्गत ये सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स हो रही हैं एंड विकेट ब्रोज हैज बीन पार्टनरिंग विद फेविक्रिल फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स नाउ। हम लोग अलग अलग आर्टिस्ट जो कि अक्रॉस इंडिया हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं उनको लेके आए हैं जो लोग वॉल म्यूरल में स्पेशलाइज करते हैं एंड पिछले सेशन में हमारे साथ नवी मुंबई से आर्टिस्ट अवंतिका थी। उन्होंने एक सरियलिस्टिक म्यूरल बनाया था। उससे पहले हमारे साथ राजस्थानी म्यूरल बना था लाइव फ्रॉम जोधपुर। आर्टिस्ट रतन एंड ओम वर देयर। सो गाइस यू कैन गो टू द IGTV और ऑन द वीडियो सेक्शन ऑन फेसबुक एंड सी ऑल दीज सेशंस। देयर इज अ ह्यूज नॉलेज अबाउट वॉल म्यूरल्स दैट यू कैन फाइंड। आपको कोई भी सवाल हो अदरवाइज यू कैन ऑलवेज DM अस ऑन हॉबी आइडियाज इंडिया या फिर आर्टिस्ट या विकेट ब्रोस को आप कभी भी DM कीजिए। Happy to reply and give advice. All right. Let's see. Let's take a few more questions. How to remove acrylic painting from the wall? Says Pachanjewate. Okay. Sorry to mispronounce your name, but she says how to remove the acrylic painting from wall. Basically, आपको वापस से primer और acrylic coat करना होता है। जो भी process हो रोलर से करे या फिर brush से करे तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। बेसिकली व्हाइट कलर कीजिए, उसके बाद दोबारा से आपकी वॉल तैयार हो जाएगी। राइट, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर पीपल हु हैव रेंटेड हाउस। तो गाइस आप इसको हटा सकते हैं डेफिनेटली। Kinder says, my 5 years old daughter Araha is very happy seeing the flamingo. She loves seeing and loves doing the drawing. Awesome, Kinder. Please उसको encourage करते जाइए। Those who are having children, please give them as much time and space to practice their art. As Yogi Kumar has said, he's painting for last 17 years and his hand moves so fast. So उसका reason है practice. Okay, we'll take up more questions now. Let's see. दिव्या आप एक बार प्लीज अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं। समटाइम्स दिया सॉरी दिवालिया दिया वी मिस दिस क्वेश्चन समटाइम्स बिकॉज़ इट्स हार्ड टू लुक एट ऑल द कमेंट्स। आराध्या इज सेइंग हाउ डू यू डू द शेडिंग। शेडिंग के कुछ टिप्स दे सकते हैं। लाइट टू डार्क जाते हैं, डार्क टू लाइट कैसे होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं लास्ट पीछे जाएंगे वीडियो में तो तब आपको दिखेगा कि हम लोगों ने लाइट से स्टार्ट किया था और धीरे-धीरे हम लोग डार्क की तरफ जा रहे हैं। तो लाइट एंड डार्क, लाइट टू डार्क होना चाहिए। आप बिल्कुल जितना लाइट स्टार्ट कर सकते हैं उतना लाइट स्टार्ट कीजिए और उसको धीरे धीरे हम लोग लास्ट में हाइलाइट्स और शैडोज देते हैं। तो अभी बेसिकली हम लोग रेड की ही टोन्स में खेल रहे हैं। राइट, आप नॉर्मल पानी यूज कर रहे हैं या फेविक्रिल मीडियम? या नॉर्मल पानी हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, यस। देयर इज अनदर रियली क्यूट क्वेश्चन फ्रॉम नोवा। शी सेज व्हाट इंस्पायर्ड यू फॉर पेंटिंग। आपका वो पहला पल कब था जब लगा कि पेंटर बनना चाहिए, आर्टिस्ट बनना चाहिए? आप किसी को अगर पेंटिंग करते हुए देखते हैं या गाते हुए देखते हैं या गिटार बजाते हुए देखते हैं तो मुझे लगता है कि वो सबसे अच्छा पल होता है। आपका भी मन करता है कि हम भी गाएं या हम भी पेंट करें। तो मैंने सेकंड क्लास में अपने टीचर को चाणक्य की स्केच बनाते हुए देखा था, तो मुझे याद है आज भी। तब से मैं उनको कॉपी करता था। तो आप किसी को पेंटिंग करते हुए देखोगे तो आपको ज्यादा मन करेगा पेंटिंग करने का, आप इंस्पायर होंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा आर्टिस्ट को पेंट करते हुए देखिए, जैसे कि अभी आप मुझे देख रहे हैं। रैंक सर रैंक ज़ोविर साइड हैज रिटर्न्ड। शी सेज ग्रीटिंग्स फ्रॉम पोलैंड। सो गाइस दिस इज अ इंटरनेशनल लाइव हैपनिंग राइट नाउ। एज यू नो देयर आर मोर देन 200,000 पीपल ऑन Instagram, there are 200,000 people on Facebook who are joined with Hobby Ideas India, and we would encourage as many people as possible to spread the word about this wall painting hashtag My Happy Wall campaign and come see these live sessions which are being conducted. Where are you from, Yogi sir? Basically, main Gurgaon se hu aur baki aap mujhe India mein kahin bhi dekh sakte hain.
ट्रैवल करते रहते हैं, तो जहाँ प्रोजेक्ट्स होते हैं, जहाँ वॉल्स होती हैं, हम लोग वहाँ वहाँ पे 1 वीक के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए। तो हम लोग पिछले 10-15 साल से ट्रैवल कर रहे हैं, ऑलमोस्ट पूरा इंडिया हम लोगों ने ट्रैवल किया है। तो बेसिकली मैं गुड़गांव से हूँ। वॉल है जहाँ, योगी है वहाँ, राइट? हाँ। Which type of paint is good for wall painting, says Smita on Facebook. Acrylic, I think, is the best medium for walls. And ये जो आप इसके legs बना रहे हैं, इसके अंदर आपने filling के लिए yellow के साथ कौन सा yellow basic color fill किया? अभी हम लोगों ने एक अच्छी drawing की, जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी color आप light use करो, dark color कोई भी आ सकता है। तो अभी basically अपने drawing के लिए हम लोगों ने light color use किया है, ये बाद में change हो जाए। तो आपने अभी पेंटिंग फाइनलाइज नहीं की है, बट अभी से आप आउटलाइनिंग उसकी दे रहे हैं? यस, आउटलाइनिंग नहीं है, बस मैंने लाइन थोड़ा सा उसका। ओके, एक क्वेश्चन रहेगा, बेस होने के बाद आप ये फेदर्स का इफेक्ट कैसे देने वाले हैं, लाइक व्हाट आर द सेशन? वाइट और रेड के डार्क से। ओके, फाइनल। Nova says, this is magnificent, I'm inspired from the movie Tare Zameen Par, I got state rank and I'm still learning, it's the beauty of art. Okay, amazing Nova, congratulations. Guys, you should all just keep sharing your stories with us. Love to see all this enthusiasm and hum ek dusre se inspire hote hain, tabhi as a community hum aage badhte hain. Sonika says, I'm afraid to make big paintings, little painting I can make easily, any tips to make the size big? डर खत्म करने के लिए आपको पहला स्टेप तो रखना पड़ेगा, तो आप पहला स्टेप रखिए, आप थोड़ा थोड़ा कम साइजेस की लीजिए और स्टार्ट कीजिए। आप एक बार फेल हो गए, दो बार फेल हो गए, तीसरी बार में आपको कॉन्फिडेंस। राइट गाइस, हमारे साथ बने रहिए, एंड में योगी जी हमारे साथ कुछ अमेजिंग स्टोरीज और शेयर करने वाले हैं। सो इफ यू वांट टू नो मोर अमेजिंग स्टोरीज अबाउट योगी, स्टे विद अस, एक छोटा सा Q&A करेंगे उनके लाइफ के ऊपर एंड सी हाउ ही हैज लर्नड हिज क्राफ्ट एंड क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं जो एक आर्टिस्ट को शेप करते हैं इस तरह से परफेक्ट होने में। योगी, वी आर ऑल नोटिसिंग दैट यू आर हैविंग द सेम शूज एज ऑलवेज। यस, लोग शूज के बहुत फैन है। Okay, लोगों को ये चीज लाइन रट गई है, वॉल है जहाँ योगी है वहाँ, putting this in the comments. ये मैं टीशर्ट भी बना सकता हूँ इसकी। Absolutely, this will be a wonderful idea. Dia says, her question was that in any work we have to go light to dark shades, easily more or easy dark to light easy. What is more easy, dark to light or light to easy? And what are the tips to practice and how to use the brush? दोनों ही इजी है। अगर आपके पास सरफेस डार्क है तो आप लाइट टू डार्क जा सकते हो, अगर आपके पास सरफेस वाइट है तो आपको डार्क थोड़ा थोड़ा लाइट टू डार्क, जैसे हम लोग जा रहे हैं अभी। सो अभी तक जितनी भी हमारी वर्कशॉप हुई है, आई थिंक हम लोगों ने डार्क सरफेस स्टेंसिल वाला वर्कशॉप में डार्क सरफेस पे किया था हम लोगों ने, राइट? तो बेसिकली तो वाइट पे ही होता है, अदरवाइज डिपेंड करता है कि आपका आर्टवर्क, आपका डिजाइनिंग कैसा है। Imtiaz has a question, sir, if we are doing painting and suddenly it happens, any mistake, what to do with that? Mistake? Yes. अगर आपका color या उसको आप या mistake भी कई तरह की होती है ना, अगर आपकी वो drawing में mistake है, starting initial stage में आपकी mistake हो रही है, तो आप उसको rub कर सकते हो। तो basically आपकी drawing perfect होगी तब आप उसको brush के साथ color करोगे, है ना, आगे उसको dark तक लेके जाओगे। जहाँ भी आपको लगता है mistake है तो आप उसको दोबारा से रीटच कर सकते हैं। सपोज कुछ ड्रिप हो गया है तो आप उसको रीकलर कर सकते हैं, लाइक वॉल का कलर आपके पास होना चाहिए। ओके, सेम। मनीषा ऑन फेसबुक सेज, योगी, आई डिड वन वॉल पेंटिंग, हाउएवर द वॉल वाज जस्ट अब्सॉर्बिंग द कलर वेरी फास्ट एंड आई क्या हैड अ बिट प्रॉब्लम पेंटिंग इट। सो डू वी नीड टू अप्लाई द प्राइमर फर्स्ट टू पेंट? या प्राइमर करना चाहिए। और ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आती है कई बार कि कभी कभी सरफेस और वॉल का टेक्सचर आपको ऐसा मिलता है कि आपके कलर्स वैसे नहीं चलते हैं जैसा कि आमतौर पे चलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको
अगर आपको ये वाटर ऑब्जर्वेंसी प्रॉब्लम है तो ये सेम मेरे साथ भी हुआ था। आप पहला कोट पानी का ही उस पर अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप आराम से उसको मिक्सिंग कर सकते हैं कि पानी आपकी वॉल जितना भी ऑब्जर्व कर रही है वो कर लेगी, उसके बाद आपकी मिक्सिंग आराम से हो जाएगी। तो बेसिकली क्या एक्सपेरिमेंटल होती है ये चीजें कि आपके सामने प्रैक्टिकली जब आती है प्रॉब्लम्स, तो इसी का नाम एक्सपीरियंस होता है कि आप जितने ज्यादा फंसोगे उतने ज्यादा सीखोगे। सो बेसिकली सारी वॉल्स पे प्राइमर करने की जरूरत नहीं है। नहीं, सारी वॉल्स पे प्राइमर करने की जरूरत नहीं होती है, डिपेंड करता है बेसिकली। कैसे कैसे पता चलेगा यहाँ करना है नहीं करना है? आपका आपका जो वॉल है वो सरफेस स्मूथ होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कौन से सरफेस पे आपका हाथ सबसे ज्यादा सही चलता है, कौन से आर्टवर्क के लिए। तो आप रिकमेंड कीजिए कि आप यही वाला, क्योंकि बहुत तरीके की क्वालिटी के पेंट आते हैं, तो कुछ पे एक्रेलिक बहुत अच्छा चलता है, कुछ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम से चलता है। तो आप देखिए कि एक्रेलिक आपका कौन से पेंट पे सबसे ज्यादा अच्छा चलता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये आपको करके देखना ही होगा 3-4 बार, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ ये वाला ठीक है, मुझे ये वाला सरफेस चाहिए, मुझे रोलर के साथ चाहिए या फिर मुझे ब्रश के साथ चाहिए। सो बेसिकली आर्टवर्क्स पे भी डिपेंड करता है, कभी कभी आपके आर्टवर्क ऐसे होते हैं कि उनमें प्लेन सरफेस नहीं चाहिए, कभी कभी आपके आर्टवर्क ऐसे होते हैं कि आपको टेक्सचर सरफेस चाहिए होता है। तो ये डिपेंड करता है, ये आपका एक्सपीरियंस है कि आपने कितने सरफेसेस पे काम किया हुआ है। ओके योगी, सो कैन यू जस्ट फेस द कैमरा फॉर अ लिटिल व्हाइल? एक दो क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पे? यस प्लीज। ठीक है, आराम से आप पेंटिंग आई थिंक बहुत फास्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा आप पॉज ले सकते हैं। आपको अगर कुछ पानी या कुछ पीना है ना, आप डेफिनेटली एक बार ब्रेक लीजिए, कुछ क्वेश्चंस आंसर करते हैं कैमरा में फेस करके। तो गाइस, ये है आर्टिस्ट योगी कुमार फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 45 मिनट्स नाउ इज बीन पेंटिंग। एंड जैसे कि आप इनके पीछे देख सकते हैं, ये फ्लेमिंगो पेंटिंग हो चुकी है। ऑलमोस्ट कितने स्टेज कंप्लीशन पे ये है? ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट है और हम 30% इसको अभी करने वाले हैं, तो इसमें मुझे आई थिंक 14.5 मिनट लगेंगे। ओके ऑलमोस्ट दैट्स ग्रेट। सो हम लोग आपके 5 मिनट लेने वाले हैं, बिकॉज़ यू नो वी शुड इंटरैक्ट मोर विद एवरीवन, दे आर ऑल लविंग दिस सेशन, दे आर हियर विद अस, सो व्हाई नॉट टेक सम मोर क्वेश्चंस एंड यू कैन फेस द कैमरा। तो योगी, देयर इज वन क्वेश्चन दैट हैज कम ऑन इंस्टाग्राम फ्रॉम थनु देवादिगा। ओके सॉरी इफ वी आर मिस प्रोनाउंसिंग सम नेम्स, दे आर जस्ट लाइक डिफिकल्ट टू रीड। Question is, when I paint on glass bottle using acrylic paint, my hand gets oily texture. Is this normal? Glass paint. Yes. अगर आप ऐसा कुछ केमिकल यूज करते हैं जो आपके स्किन को हार्म करता है, आपको पसंद नहीं है, तो आप ग्लव्स यूज कर सकते हैं या फिर आप अपने हाथ में फैब्रिक रखिए, जैसे ही आपका हाथ में कुछ लगता है तो आप साफ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप जब ब्रश यूज करते हैं तो ब्रश का डिस्टेंस पकड़ने का, जितना दूर रहे उतना ज्यादा अच्छा है। इनफैक्ट आपका ब्रश का टिप भी पूरा कलर में ना डुबाइए, उसको बिल्कुल आधा कलर में डुबाइए और उसको भी आप लोग साफ कर लेंगे फैब्रिक पे, उसके बाद टच करेंगे दीवार पे तो ज्यादा बेटर होगा। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि हाथ पे कलर लगना चाहिए, जैसे कि ढक्कन खोलते वक्त लग गया था थोड़ा सा, ब्रश से नहीं लगा। This is a very common problem I think for a lot of us, के color body पे कपड़ों पे लग जाता है। So this one question from Shruti which is coming on Facebook, sir, proportion कैसे maintain करें in big size drawing? आपको basically sketching की practice करनी पड़ेगी, आपको dimensions, perspective की practice करनी पड़ेगी, उसके बाद ये problem नहीं होगी। और ये एक practice जैसे होता है, मैं आज भी सीख रहा हूँ इस चीज को, तो जितना ज़्यादा आप करते जाएंगे उतना ज़्यादा वो निकलती जाएगी चीज। एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं योगी आपसे? या प्लीज। तो आपकी फेवरेट स्ट्रीट आर्ट या वॉल आर्ट कहाँ बनाई है, क्या है और उसको उसका उसकी थोड़ी सी स्टोरी बताइए, कोई जो भी फेवरेट है आपका? फेवरेट एक मैंने डलहौजी में एक एक जगह कमर्शियली काम किया था, उस ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगा जिसके लिए किया था, बट बेसिकली क्या था कि वो लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे थे डिजाइनिंग के लिए। तो मेरा काम था 2 दिन का और उन्होंने लगा दिया उसमें 1 वीक करने में कुछ भी ऐसा नहीं। मैंने उनको सजेस्ट किया कि डिफेंस की तो उन लोगों ने वो पास नहीं किया और मैंने फिर भी जो प्रॉपर
बना दिया। उसके बाद 3 या 4 महीने बाद मेरे पास फोन आया कि लोग स्पेशल उस वॉल के सामने फोटो खिंचाने के लिए ही आते हैं, तो वो स्पॉट बन गया उस जगह का। तो हम लोगों ने एक फ्रेंड्स की ग्रेफिटी बनाई थी, अगर आप मेरे प्रोफाइल में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा वो, कि फ्रेंड्स का कार्टून है जिसमें लोग कप लेके और गिटार लेके बैठे हुए, तो लोग वहाँ पे फोटो खिंचाने के लिए स्पेशल पता नहीं कहाँ कहाँ से डलहौजी जाते थे और वहाँ पे फोटो खिंचा के मुझे टैग करते थे। आप ये माउंटेन्स में तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, आई थिंक वैसे ही सब लोगों का जाने का। एंड व्हेन यू सी अ टूरिस्ट स्पॉट एंड वहाँ पे आर्ट वर्क दिखता है लाइक ऑन गोवा या फिर पुष्कर कोई भी ऐसी जगह जाएं, इट्स ऑलवेज सो अमेजिंग। सो गाइस, योगी जैसे आर्टिस्ट होते हैं जो लोग ट्रैवल करते हैं और ऐसी जगहों को वर्थ विजिटिंग बनाते हैं मेरे ख्याल से शायद। सो इवन इफ यू गेट अ चांस प्लीज, अब आप लोगों को वॉल आर्ट पता है कैसे करना है, सो डू मेक इट अ मिशन, कहीं भी टूरिस्ट स्पॉट पर जाएँ, डू मेक artwork and leave your soul behind, है ना? तो ये जरूर एक चीज कीजिए, make India as colorful as possible. Okay, there are let's take some more questions over here. इसकी outline के लिए आपने कौन सा brush use किया है? सबसे छोटा brush, small brush, half inch width है इसकी। तो बेसिकली ये कमर्शियल ब्रश है, इसका कोई कंपनी नेम नहीं है, ये मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किए थे, तो काफी अच्छे ब्रशेस हैं, बट है नॉर्मल सिंथेटिक ब्रशेस ये। ऑसम गाइस, इफ यू वांट टू फॉलो आर्टिस्ट योगी कुमार और इंटरेक्ट विद अस एट विकेट ब्रोस, यू कैन सी आवर हैंडल्स हियर ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक यू कैन फॉलो अस ऑन विकेट ब्रोस, और यू कैन सी इन द डिस्क्रिप्शन आर्टिस्ट योगी कुमार एज़ वेल, यू कैन कनेक्ट विद हिम। बाय द वे योगी, आपको ऑलरेडी 5-10 रिक्वेस्ट आ गई है फेसबुक पे, मुझे काफी ज्यादा प्यार मिलता है इस पेज से और मुझे बहुत सारे फॉलोअर्स मिले हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चंस भी पूछते हैं। यस गाइस, जिनको पर्सनली भी डीएम करना है आप कर सकते हैं, योगी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू लेटर ऑन, एंड प्लीज डू टैग हिम, अदरवाइज डू टैग हैप्पी हॉबी आइडियाज इंडिया, दे विल बी वेरी ग्लैड टू फीचर यू इन द स्टोरीज और इन द पोस्ट। ये कैंपेन चल रही है जिसमें हैशटैग माय हैप्पी वॉल अगर आप यूज करें कभी भी, you will come in the notice of Fevicryl company and you may probably, I don't know, someday aap bhi yogi ki jagah yahan pe live session kar rahe honge, dusre logon ko sikha rahe honge, so do use that opportunity. Yogi has resumed his painting guys, so do keep your questions also coming, we have like about 15-20 minutes remaining in this artwork. Yogi abhi aur kya baki hai isme detailing, mujhe iska thoda background karna hai, ग्रीन नेचर से इंस्पायर्ड समथिंग कुछ है मेरे दिमाग में, और इसका मुझे डार्क और लाइट डिटेल्स बनानी है बस अभी, और इसके फुट मुझे फाइनल करने हैं। ओके, इसके इसके फेदर्स पे हम लोग और कुछ डिटेलिंग में, हाँ फेदर्स पे हम लोग कुछ वाइट और डार्क रेड की डिटेल्स हम लोग देंगे अभी थोड़ी देर में। आर्टिस्टिक KML इज आस्किंग ऑन इंस्टाग्राम, कैन वी यूज वार्निश ऑन वॉल आर्ट्स बिकॉज कलर्स यूजुअली फेड विद टाइम, एंड देयर इज अ सिमिलर क्वेश्चन एक्चुअली ऑन फेसबुक एज वेल बाय सनोबर, शी आस्क्स कैन यू प्लीज एक्सप्लेन वॉल प्रेप फॉर पेंटिंग इन शॉर्ट, सो वॉल प्रेप एंड देन वंस द आर्टवर्क इज कंप्लीट वार्निश, इन दो चीज पे बेसिकली अगर आपकी वॉल आउटसाइड है घर के डायरेक्ट धूप है उस पे तो आप यूज कर सकते हैं, उससे थोड़ा लाइट बढ़ जाती है पेंटिंग की, अदरवाइज आपका वॉल का सरफेस जो है पीछे से कैसा है उसमें सीपेज तो नहीं है, है ना, आपकी वॉल अगर मजबूत है तो आपको जरूरत नहीं है उस पर कुछ भी करने की, अगर वो इनसाइड है तो आपको जरूरत नहीं है, आउटसाइड है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं थोड़ा उसकी मजबूती बढ़ाने के लिए। ओके गाइस, अभी आर्टिस्ट योगी कुमार जो है वो बैठ चुके हैं, सो वी गोना ट्राई वन ट्रिक व्हिच इज वी मूव आवर कैमरा स्लाइटली क्लोजर टू हिम, so give us 2 minutes, let's give you a little bit more close up, जैसे जैसे details भरते जा रहे हैं वो वैसे वैसे हम आपको थोड़ा सा और pass करके दिखाते हैं कैसे दिख रहा है ये चीज, so just stay patient, camera may move, so just for 2 minutes give us. Meanwhile, keep your love coming in. अगर आप लोगों ने आर्टिस्ट योगी कुमार का सेशन एंजॉय करा है अभी तक का एंड यू वॉन्ट टू वेट टिल द एंड फॉर हिज लवली स्टोरीज, देन प्लीज सेंड योर लव, यहाँ पे हार्ट या लाइक बटन दबाइए, शो हिम योर लव, ही इज हियर फॉर द 5th टाइम आई थिंक विद अस।
can catch all his previous sessions in IGTV or on Facebook in the video section. Okay, we are going closer and closer to the mural. क्योंकि आप खड़े होके करना चाहेंगे? Yes, मुझे थोड़ा बीक पे काम करना है तो मैं थोड़ा ओके ठीक है. आपकी आपकी शायद फेस थोड़ी सी कट आउट हो सकती है. कोई प्रॉब्लम नहीं, आर्टवर्क पूरा आना चाहिए. राइट, दैट्स व्हाई वी वांट टू गो क्लोजर इनटू द डिटेल. ओके, देयर इज लॉट ऑफ लव कमिंग हियर ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. गाइस, यू कैन सी द डिटेल हियर ऑफ दिस लवली फ्लेमिंगो बर्ड. एंड आई थिंक एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एज एन आर्टिस्ट, एज अ लाइक यू कैन से बेसिकली कम्युनिटी मैनेजर इन द आर्ट्स स्पेस फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स, दैट गाइस आर्ट का यूज़ सिर्फ वॉल ब्यूटीफुल करने के लिए नहीं होता है. कई बार आर्ट का यूज़ एक मैसेज भी देने के लिए यूज़ हो सकता है. एंड वेन वी मेक ह्यूज बर्ड्स, आई रिमेंबर इन लेडीज़ फर्स्ट लास्ट टू लास्ट ईयर वी मेड अ 80-foot टॉल एशियन फ्लाई कैचर. शिरीन शेख करके जो है वो एक शोलापुर के आर्टिस्ट हैं. 80-foot की बिल्डिंग के ऊपर उन्होंने एशियन फ्लाई कैचर बनाई थी. एंड द पर्पस वॉज टू ब्रिंग यू नो लाइक अवेयरनेस के हमारे देश में ऐसी भी बर्ड्स हैं एंड वी शुड प्रिजर्व देम, वी शुड सेव देम. बहुत सारी बर्ड सेंचुरीज हैं बॉम्बे, दिल्ली, पूरे इंडिया में अक्रॉस. And we have some really amazing, you know, birds which come, migratory birds, जो बाहर से भी आती हैं. So, जब हम art बनाते हैं, तो उनको represent कर रहे हैं in a way, on the wall, and we are bringing awareness, and we should respect these birds. सिर्फ painting मत बनाइए, give love to the bird as well, जब आपको दिखती है, उसका help करें, उसके लिए घोंसले बनाएं, don't cut trees, ये एक basic message आप सब के लिए. And kindly, make this awareness with all your contacts and जो भी आपके neighborhood में friends वगैरह सबको. इसके साथ एक quote भी लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं योगी, ऐसे ऐसे artwork के साथ quote लिखना चाहिए या सिर्फ bird बना के छोड़ देनी चाहिए? मुझे लगता है कि artwork जितना minimal हो, जितना आसानी से वो समझ में आ जाए उतना ज़्यादा अच्छा है, तो हम quote लिख सकते हैं. आप कैसे मतलब लाइक प्रेफर करते हैं कोट लिखना या जनरली यू जस्ट वांट योर आर्टवर्क टू स्पीक फॉर इटसेल्फ? जितना नॉर्मल रहे, मतलब मुझे लगता है कि आर्टवर्क जितना सहज हो, क्योंकि सबसे पहली बात आप अपने लिए नहीं बना रहे हैं. जैसे कि पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता है. आप आर्टिस्ट हैं, आपके पास एक लैंग्वेज है दुनिया से बात करने की, तो वो दुनिया की ही लैंग्वेज में हो तो ज्यादा अच्छा है. वो जितना ज्यादा सहज हो, जितने ज्यादा लोगों को समझ में आए, उतना ज्यादा अच्छा है. और स्ट्रीट आर्ट को मैं इसलिए ज्यादा पसंद करता हूँ कि आप डायरेक्ट कनेक्ट होते हो उन लोगों के साथ में. एक आर्टिस्ट होता है जो गैलरी तक सीमित होता है, बट मुझे लगता है कि स्ट्रीट आर्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप डायरेक्ट घरों तक पहुंच सकते हो, ऐसे लोगों तक पहुंच सकते हो जिनको पेंटिंग का मतलब भी नहीं पता है. ऐसा ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है? आप किसी एक कोई सिचुएशन के बारे में बता सकते हैं? बहुत बार ऐसा बहुत बार हुआ है. मैं हमेशा जब भी ट्रैवल करता हूं और मैं किसी भी रूरल एरिया में जाता हूं, कहीं भी गांव दूर में, तो मुझे पसंद है, मुझे बहुत ज्यादा शहरों में पेंटिंग करना पसंद नहीं है, मुझे गाँव में पेंटिंग करना पसंद है. आप खुद ये ट्राई करके देख सकते हैं. अगर आप कहीं पे जाते हैं किसी गाँव में, आप वहाँ पे पेंटिंग करके देखिए एक बार. तो मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. मैं एक बार खजुराहो, एक जगह है एमपी में, बहुत फेमस जगह है, टेंपल्स है वहां पे बहुत सुंदर, आप कभी वहां पे घूमने जाना चाहें तो. तो मैं खजुराहो में था और वहां पे एक फिल्म फेस्टिवल के दौरान मैंने एक स्टेज परफॉर्मेंस दी थी. मैंने दोनों हाथों से लाइव पोर्ट्रेट किया था अमिताभ बच्चन का, आप मेरे प्रोफाइल में जाके चेक कर सकते हैं वो. तो सुबह जब मैं निकला तो ये मेरे लिए एक नॉर्मल परफॉर्मेंस थी, जैसे मैं सब जगह परफॉर्म करता था ऐसे ही मैंने वहां पे किया. तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा मेरे साथ में. तो मैं जब निकला तो वहां पे कुछ लोग मुझे बड़ा घूरते हुए देख के जा रहे थे. तो मुझे याद नहीं रहा कि मैंने परफॉर्म किया है रात को, वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मुझे आदत थी कि भाई लोग तो नॉर्मल ही ले लेते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो परफॉर्मेंस होती है.
एक लड़का आगे आया, उसने सीधा आके मेरे पैर छू लिए। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने उसको बोला, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, तुम मुझे जानते हो? तो उसने बोला, हाँ, आपने कल परफॉर्म किया था। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि आर्ट सिर्फ मेट्रो सिटीज और एक रिच कम्युनिटी बोल सकते हैं उनके लिए नहीं है, आर्ट इज फॉर एवरीवन, आर्ट सबके लिए है ना। तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, आपको आपको रिस्पेक्ट जब मिलती है ना दिल से, तो वो दिन मैं कभी नहीं भूलता हूँ जब उस लड़के ने मेरा पैर छुआ था। मतलब मैं नहीं चाहता कि कोई भी पैर छुए ऐसे, बट उसकी रिस्पेक्ट देखिए आप, उसको कितना अच्छा लगा होगा, कितने भाव उसके कैसे रहे होंगे वो पेंटिंग मेरी देख के। तो मैं चाहता हूँ कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखा पाए रूरल एरिया में जाके आर्ट अवेयरनेस, है ना, उतना ज्यादा अच्छा है। आप इतना अमेजिंग पेंटिंग बनाएंगे, जिस तरह से आप डिटेलिंग अभी देना स्टार्ट किए हैं, इसके अंदर डार्क डेप्थ आती हुई बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। व्हाई वोंट पीपल गिव यू द रिस्पेक्ट? वी ऑल वोंट गिव यू द लव एंड रिस्पेक्ट। गाइस प्लीज शो योर लव फॉर आर्टिस्ट योगी कुमार, हिज हैंड इज हियर इन हॉबी आइडियाज इंडिया। वी लव हिज कंपनी एंड द आर्ट दैट ही डज, एंड स्पेशली द वे ही टीचेस अस ऑल, राइट? लाइक आप देख सकते हैं ये डिटेल आपके सामने आती हुई। योगी, जब आपके पास एक रेफरेंस होता है, व्हाट आर सम टिप्स टू काइंड ऑफ लाइक यू नो मेक श्योर कि हम रेफरेंस के जितना क्लोज जा सके वो बनाए? बेसिकली क्या होता है कि आप आपका रेफरेंस आपको एक 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 वक्त तक आपका साथ देता है, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस आता है। जैसे बोलते हैं पेंटिंग में एक्स फैक्टर, एक फोटोग्राफर होता है जो नॉर्मल फोटो क्लिक करता है, एक आर्टिस्ट होता है जो उस फोटो को पेंटिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो मुझे लगता है कि हम लोग प्रिंटिंग मशीन नहीं है कि आपने कोई फोटो दिया और हम लोगों ने वो तुरंत बना दिया। तो हम लोग के इमोशंस भी होते हैं थोड़े, कि आपने कोई पेंटिंग बनाई है और उसमें आपको नजर आ रहा है कि कुछ, मतलब ऐसा होता है कि कई बार लोग बोलते हैं कि जान डाल दी, तो वो जान यही होती है कि आपका जो एक्सपीरियंस है किसी भी चीज को लेके, आपके दिल में जितना जो भी कुछ है, आपका एक्सपीरियंस, आपके दिल में प्यार, वो सब आपका पेंटिंग में नजर आना चाहिए। तो वो तब तक नजर नहीं आएगा जब तक आप उसमें बिल्कुल खो के नहीं बनाएंगे। तो आप रेफरेंस फॉलो कीजिए, लेकिन आप वो जर्नी भी फॉलो कीजिए। आप कुछ भी बनाते हैं उसके बारे में जानिए, समझिए, है ना, फ्लेमिंगो बर्ड्स के बारे में पढ़िए, उसके बाद आप बनाएंगे। तो मैं जब भी कोई आर्ट वर्क बनाता हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, मैंने जब ओमपुरी की पेंटिंग बनाई लाइव, आप मेरे उसमें जाके देख सकते हैं, ये भी एक स्टोरी है बेसिकली। जब मैंने ओमपुरी की वो पेंटिंग बनाई, तो वो सिर्फ एक पेंटिंग थी, लेकिन वो पेंटिंग मैंने उनको सुनते हुए, समझते हुए, उनके बारे में पढ़ते हुए बनाई। तो जब वो पेंटिंग बनी, मैंने बनाई वो 7 से 10 मिनट में वो पोर्ट्रेट स्टेज पे। लेकिन जब मैं ओमपुरी की बीवी से मिला, उनके बेटे से मिला, वो पेंटिंग मैंने उनको गिफ्ट की, उनकी आंखों में मैंने देखा, और उनके बाद मैं उनके घर पे गया, वो पेंटिंग मैंने अपने घर पे लगाई हुई। तभी आता है जब आप उसमें खो जाते हो, उस सब्जेक्ट में। तो आप कुछ भी बनाते हो तो आप उसके बारे में पूरा रीड करो। जरूरी नहीं है कि आपको टेक्निकली ही स्ट्रांग होना है, आपको मेंटली भी स्ट्रांग होना है आर्ट में। आप किसी भी चीज को फील करोगे तभी सामने वाला फील करेगा जो देखेगा। आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ स्पीच दैट लॉट ऑफ अस नीडेड योगी। बहुत ही क्या बोल सकते हैं, इंस्पायरिंग। आई थिंक आर्टिस्ट हैज अ सोल गाइस, दिस इज समथिंग विच वी ऑल कनेक्ट विद। दैट्स द रीजन वाई वी ऑल पेंट एंड वी आर ऑल कनेक्टेड टू दिस ब्यूटिफुल आर्ट फॉर्म। तो प्लीज आप लोग पेंट जरूर कीजिए, ट्राई एंड गेट एज क्लोज एज पॉसिबल टू द रेफरेंस, बट डोंट लूज योर सोल। इनफैक्ट अपना खुद का जो फीलिंग है उसको ऐड कीजिए। एंड इनफैक्ट मैंने खुद ने पर्सनली योगी यही देखा है कि जब आर्टिस्ट अपने अंदर का जो यू नो सोल है, जब वो डालने लगता है उस पेंटिंग में, कोई भी आर्ट वर्क हो, तो उसका शेप एंड फॉर्म ऑब्वियसली चेंज होता है, बट इट बिकम्स ऑलवेज मच मोर ब्यूटिफुल देन इट इज देयर इन द पिक्चर। बिल्कुल, मैं किसी आर्टिस्ट से मिला था एक बारी, वो कार्विंग करते थे, पत्थरों को कार्व करते थे वो। तो उन्होंने मुझे एक अपना पेबल दिखाया कि योगी ये मैंने बनाया है, और उस पत्थर में से आवाज आ रही थी लिटरली। अगर आप उस शेप को, मैं शेयर करूंगा अपनी वॉल पे, अगर आपको देखना है तो वो
इस सेशन के बाद ही एक घंटे बाद, तो उसमें एक मंत्रा का शेप था, तो उस आर्टिस्ट से मैंने पूछा, उसने बोला कि मैंने वो मंत्रा बोलते बोलते जितनी बार मैं पत्थर पे चोट मारता था उतनी बार मन में वो मंत्रा बोलता था। तो उन्होंने मुझे बोला कि जब एक पिक्चर देखते हो आप पिक्चर हॉल में बैठ के, और आप सोचते हो उस पिक्चर में ऐसे खो जाते हो कि कोई विलन कोई हीरोइन कोई हीरो, आप सोचने लगते हो आप ही वो हो, तो आप ऐसे ही फेवरेट गाना सुनते हो अपना और आप आंखें बंद करते हो और पिक्चर है आपके सामने आ जाती है। तो उन्होंने मुझे बोला कि जब एक म्यूजिक आपके दिमाग में पिक्चर क्रिएट कर सकता है, तो एक पिक्चर जो आपने बनाई है वो म्यूजिक क्यों नहीं क्रिएट कर सकती। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा पेंट करो कि उसमें से म्यूजिक आए। सीरियसली कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सेशंस ना मतलब बहुत ही अच्छा हुआ कि रिकॉर्ड हो रहे हैं गाइस। आई थिंक एज हॉबी आइडियाज इंडिया वन टिप वुड बी टू शेयर दीज वीडियोज अगेन लेटर ऑन, एंड इसके ना हम लोगों को क्लिप्स बनाने चाहिए। ओके प्रकाश के फेसबुक पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्रकाश इज सेइंग सर आपसे इंस्पायर होके मैंने बुद्धा म्यूरल बनाया। ओके एंड ही सेज के इंडिया चैनल पे शेयर भी किए। तो योगी या एग्जैक्टली यस 3.5 feet by feet का उन्होंने म्यूरल बनाया है, एंड ही सेड ही पार्टिसिपेटेड इन द हैशटैग माय हैप्पी वॉल कैंपेन। दैट इज सो ब्यूटीफुल प्रकाश, प्लीज टैग योगी, वुड लव टू सी क्या बनाया आपने। प्रकाश का एक और क्वेश्चन है, आई वांट टू पेंट माय गार्डन वॉल बट आई एम वेरी कंफ्यूज कि क्या बनाऊं। दो चीजें होती हैं प्रकाश, क्या बनाना है और कैसे बनाना है। तो क्या बनाना है कोई भी मदद कर सकता है, कोई भी आपको सिखा सकता है। सॉरी कैसे बनाना है, क्या बनाना है ये एक फील होता है, आपका गार्डन कैसा है आप कैसे हो वो आप ही को पता है। तो ये चीज मुझे लगता है कि आप किसी से नहीं पूछो तो अच्छा है, या आप अपने आप से पूछो। वेरी नाइस पॉइंट। कुछ ऐसा बनाइए प्रकाश जो कि आपके गार्डन को कॉम्प्लीमेंट करे, राइट? एक पीसफुल से जुड़ा हो। एग्जैक्टली आपकी जर्नी से जुड़ा हो, आपके आपको इंस्पायर करे, कुछ पॉजिटिविटी दे। एग्जैक्टली त्रिवेदी, राधिका त्रिवेदी सिंह सुपर्ब लगता है, सच्ची में फ्लेमिंगो सामने हो। देयर आर स्टिल ऑलमोस्ट आई थिंक वी हैव 150 पीपल अक्रॉस फेसबुक यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम लाइव हियर विद अस ऑन हॉबी आइडियाज इंडिया। थैंक यू गाइस फॉर ऑल द लव दैट यू हैव शोन, एंड वी हैव आर्टिस्ट योगी कुमार हुज हैंडल वी हैव शेयर्ड हियर ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज फेसबुक, एंड यू कैन फॉलो हिम। आई एम ज़ेन, आई एम फ्रॉम विकेट प्रोस हुज डूइंग द नरेशन। आई होप यू लाइक दिस सेशन, and kindly show your love, share this video with your friends, show them how a flamingo is made, and all these beautiful tips that Yogi has been giving about which brush to use, kaun se paint use kar sakte hain, varnish lagni chahiye ki nahi, wall ki preparation kaisi hoti hai, colors kaise mix hote hain, light to dark, dark to light jana chahiye, ye sab aaj discuss hua hai. Cool. So aapke future plans kya hai, kya matlab aap aur क्या प्रोजेक्ट्स में अभी काम करने वाले हैं इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स? योगी मेरे फ्यूचर प्लान्स अभी फिलहाल गुड़गांव को लेके हैं। तो बेसिकली मैं गुड़गांव में हम लोग एक बंच ऑफ ग्रेफिटीज प्लान कर रहे हैं जिनका सब्जेक्ट 3D है, हम लोग 3D आर्ट वहाँ पे करने वाले हैं, जो इल्यूजन आर्ट भी जिसको बोलते हैं। तो वो भी जैसे मैंने आपको बोला, उसकी भी हर आर्टवर्क की एक जर्नी एक स्टोरी होगी जो हम आप लोग को शेयर करेंगे। आप मुझे फॉलो कीजिए, आपको कंटिन्यू अपडेट्स मिलती रहेगी उसके बारे में। तो या अभी बेसिकली हमारा यही है कि हम लोग स्ट्रीट आर्ट में थोड़ा सा गुड़गांव को फोकस कर रहे हैं। ऑसम गाइस, जो लोग गुड़गांव में रहते हैं प्लीज लेट इट बी नोन कि योगी इज गोना पेंट देयर, एज वेल एज विद विकेट ब्रोस आल्सो वी हैव टाई अप विद कलाग्राम व्हिच इज द कल्चरल सोसाइटी ऑफ MCG द म्युनिसिपैलिटी ऑफ गुड़गांव, एंड वी हैव लॉट ऑफ वॉल्स फॉर यू इफ यू वांट टू पेंट ओवर देयर इन एक्सटीरियर आउटडोर वॉल्स, सो डू गेट इन टच विद अस एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प। कौस्तुभ इज सेइंग और 5-10 मिनट में लग रहा है कि फ्लेमिंगो चलने लग जाएगा। दैट्स अ ब्यूटीफुल थॉट।
फ्लेमिंगो नेवर स्टैंड्स विद बोथ द लेग्स, ऐसा ये सच है या क्या, मतलब इसकी फिलॉसफी क्या है? एक पैर पे जो प्रजाति है, अपने स्वान होता है कि वो जो जिसकी लंबी गर्दन होती है, एक और व्हाइट वाला क्रेन, हाँ, तो इनका सेम ही है ऑलमोस्ट। ये पानी में खड़े होते हैं और ये स्टिल एक पैर पे खड़े होने की इनकी प्रैक्टिस होती है ताकि ये अपने शिकार को आराम से पकड़ सके। तो इनका एक नेचर होता है ये कि ये एक पैर पे आराम से खड़े होके अपना शिकार करते हैं, तो ऐसा कुछ है इनका। अमेजिंग गाइस, एक और चीज है, ये लोग सोते टाइम भी एक ही पैर के ऊपर सोते हैं। बाय द वे, फॉर दोस हु आर बर्ड लवर्स, यू वुड नो दैट ये लोग सोते टाइम भी एक ही पैर पे सोते हैं, एंड दे आल्सो डू दैट बिकॉज दिस गिव्स देम मोर स्टेबिलिटी टू स्टैंड इन वन स्पॉट। एंड एज योगी पॉइंटेड आउट, ये एक हंटिंग टेक्निक भी है इनकी, एंड एक बहुत ही अच्छी योग मुद्रा लगती है ये व्हेन दे आर स्टैंडिंग ऑन वन लाइन, एंड प्रोबेबली दैट इज व्हाई आर्टिस्ट लव पेंटिंग देम इन दिस पोज। है योगी? यस, है ना, बहुत ही यूनिक है। या आप जब इनको देखोगे तो बहुत काम आपको फीलिंग आती है इनको देख के, और इनफैक्ट किसी भी बर्ड को देख के। तो बेसिकली हाँ, आपने सही कहा कि एक योगा मुद्रा जैसे ही लगता है इनका। या सो पीपल आर आस्किंग के मुंबई में और पुणे में कहाँ पे वॉल्स हैं? गाइस, यू कैन गेट इन टच विद विकेट ब्रोस, हैप्पी टू असिस्ट यू एंड प्रोवाइड यू वॉल्स इन ऑल दीस सिटीज। Alright, और अगर आपके पास और कोई भी questions हैं, please type them out here in the chat window. We're still live for another 5-10 minutes. हम लोग live बंद नहीं करेंगे जब तक सब लोगों के questions answer नहीं होते। If you have missed your question so far, guys, we are really sorry, but there's so many comments. So please do type your question out. Happy to help and answer. Yogi is going nowhere. Komal is saying flamingo safari is going on at Airoli Creek. Guys, agar aap Mumbai mein hai to it's a nice little trip that you can make to the Airoli Creek. There's a flamingo safari that is happening there. Aditi is saying, are we going to post this? Yes guys, all these videos will be live right now, and then they will be saved on the video section on Facebook and on IGTV, on Instagram and on YouTube as well, so you can watch that later on. The Brush Project is saying, I would like to show my wall art, absolutely, please tag Hobby Ideas India and artist Yogi Kumar, he'll be happy to check out what that is. Rita says the flamingo because of the yogi pose is probably also yogi. Maybe that's why that's your favorite to make. Huh? Best tips for watercolor painting. So basically watercolor के लिए भी सही नहीं होता है, आप तो पेंसिल के बाद फिर वो लाइट बेसिकली सरफेस पे होता है, आप पेपर यूज करते हैं, कैनवास यूज करते हैं, तो सेम ही टेक्निक है ऑलमोस्ट। आप इसमें थिक कलर यूज करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा पानी यूज करते हैं। बट क्या वाटर कलर वॉल के लिए यूज हो सकता है? हाँ, वाटर कलर फॉर्म में भी आप पेंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए आपको अलग से कोई बेस लगाने की जरूरत नहीं? कोई जरूरत नहीं है, ये कलर्स का ओपेसिटी इतना अच्छा आता है, आप इनको थिक भी यूज कर सकते हो, आप इनको कितना भी पानी मिला के बहुत ज्यादा, जैसे अभी मैं जो बैकग्राउंड बना रहा हूँ इसका, इनफैक्ट यस ये वाटर कलर फॉर्म में ही है। यस यस एब्सोल्युटली, बहुत ही काफी आपने पानी मिला के इसमें इसको एक फ्लूइड काइंड ऑफ एक शेप दे दिया है ग्रास को। पेंट कौन सा यूज कर रहे हैं गाइस? वी आर यूजिंग फेविक्रिल एक्रिलिक कलर्स, विल जस्ट शो यू here guys, you can see this is the bottle, 100 ml bottle, you can get this in larger bottles as well, choti bottle bhi aa sakti hai, so those who want to know, this is the color, acrylic colors, 100 ml bottle, ye white shade hai obviously, bahut sare alag bhi shades hai hamare paas. Acha, Aditi wants to ask, are we going to pay, post a photo? Yeah, sure. I think Wicked Bros or at least Yogi ke channel pe photo bhi dal denge. So you can check out the stories later.
दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल योगी, पर्सनली आई लव व्हाट हैज बीन मेड टुडे। ये कुछ एक एक लग रहा था मुझे कि ये हमारी भाषा में मचने वाला है एंड ये मच चुका है। सो बेसिकली इसको कितना भी ब्यूटीफाई आप कर सकते हो, तो अभी के लिए तो हम लोग, मेरे लिए परफेक्टली डन है अभी मेरी तरफ से। तो 1 घंटे में आई थिंक इतना बहुत है। यस दिस इज एब्सोल्युटली वेरी फास्ट। वी आई मीन ऑब्वियसली योर प्रैक्टिस मेक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स इजी फॉर यू, एंड नाउ दैट इट इज ओवर गाइज यू कैन गिव यस, योर, आप क्लोजअप देख सकते हैं इनका, है ना, यस थोड़ा हम लोग क्लोज से, हमें और क्लोज यस करना चाहिए। मैं थोड़ा ये हटा देता हूँ ताकि, यस इट्स अ लिटिल ट्रिकी फॉर अस बट यस जस्ट स्टे विद अस, सो वी कैन रिमूव दिस नाउ। गाइस द कैमरा विल शेक स्लाइटली, सो प्लीज बी पेशेंट विद अस, वी आर ट्राइंग टू गो एज क्लोज एज पॉसिबल टू द आर्ट वर्क एंड शो यू द क्लोजअप। That's what happens when we go close up. Right? इसके strokes आप देखिए कहाँ कहाँ पे dark किया गया है। क्योंकि he is available on Instagram, absolutely friends. He is available on Instagram as well as on Facebook. Do follow him. Tough for us to fix this, but we have, so we'll fix this up. Okay, so you can give this camera, aap jaake baith jaiye, hum ye handle karte hain. Let's answer some questions. I hope you all liked what we have made here in this live session, and just give us a moment to fix the camera back again. Oops. Yogi, can you help us out with this? Slightly, we need your help here. Omkar is saying, kya mach raha hai? Hello, Omkar. Omkar has joined us. He's right now yes, managing. मेरी मरोल वाली वॉल एक निकाल के रखना, मैं जल्दी आऊंगा। Yes, there are huge walls, Yogi. I don't know if you know this, but हम लोग Budweiser and Free Fire के साथ Wicked Bros अभी collaborate कर रहे हैं, and we have some huge walls in Bombay that we are painting. And obviously you're yes. always there for us. जब भी आप next time जाएं, okay guys, if you have any questions, we are kind of done over here, so please post your question here on Instagram or on Facebook. Omkar is saying menu card taiyar hai walls ki